नमस्कार दोस्तों, भक्ति नगरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पांच पौधों के बारे में जिसको भूलकर भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। इन पौधों को घर के आंगन में या घर के आसपास लगाने से वास्तुशास्त्र में मना किया गया है, क्योंकि वास्तु के मुताबिक पेड़ पौधों का संबंध भी घर की खुशहाली से होता है। तो आइए जानते हैं ऐसा कौन सा पौधा है और न लगाने की वजह क्या है। तो पहला है कांटेदार पौधे। घर के आंगन में कभी भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है और कई तरह की परेशानियों की वजह बनते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधों को लगाने से गृह क्लेश बढ़ता है और आर्थिक तंगी आती है, लेकिन गुलाब का पौधा अपवाद है। दूसरा है इमली का पेड़। इमली का पेड़ लगाने से घर में बीमारियां पनपती हैं और आपसी संबंधों में खटास आती है, जिससे घर का माहौल ख़राब होता है और साथ ही नकारात्मक शक्तियों का असर होने का डर रहता है। तीसरा है पीपल का पेड़। वैसे तो पीपल का पेड़ काफ़ी शुभ माना जाता है, इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन इसे घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए, इससे धन हानि होती है। साथ ही पीपल की जड़ें दूर तक फैलती है, ऐसे में घर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा है मदार का पौधा। मान्यता है कि मदार समेत ऐसे कोई भी पौधे जिनसे दूध निकलता है उन्हें घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इससे नकारात्मकता आती है। पांचवा है खजूर का पेड़। वैसे तो खजूर का पेड़ घर की सुंदरता को जरूर बढ़ाता है, लेकिन वास्तु के मुताबिक इसे लगाने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है और परिवार में आर्थिक तंगी आती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।